लगा मां साहब मेरे रस के कमर थे उन्हें पहली नजर, जब नजर से मिलाई तो मजा आ गया। जवानी बुढ़ापे से टकरा गई, आंख उनकी लड़ी जब मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी जब मेरी आंख से, देख कर ये जवानी मजा आ गया। हो मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नरेश यादव दीवाना जी, जिला पंचायत जी, ये काफी नोटों की बरसात करके गए हैं हमारी आशीर्वाद की कामना। लोटों को ऊपर से गोपाल उड़ा दिया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा, पर किसी के गई का वही कर गई ऐसी लगाई। पहला भैया गाना बजाना बहुत अलग चीज है। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। जी तो बेटे गोपाल का इलम है, ये कोई गांजे की चिलम नहीं है। एक बात का ताज्जुब तो मुझे हो रहा है आज, एक बात का ताज्जुब मुझे हो रहा है। रामानगर वाले हो यार, एक ऐसा डांसर पैदा कर लो जो रसियाबाजी का हो। बन गए हो कायर आप, अपनी जान बचाने आए हो, और ताली देखना गुरुदेव, अरे जान बचाने आए हो। एक रंगशाला की नचनिया को रसियों में नचाने, एक रंगशाला की नचनिया को और आज रसियों में नचाने लाए हो। नी गामा बारजा सा गामा बादा गामा बागा मजा सा गामा। राजा तो बड़े ये गाना बजाना है और तालियां नहीं सी पीछे तक। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा। अरे पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा। एक बार रुक्मिणी ने
कन्हैया के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए और कन्हैया को खवाए और कन्हैया से कहा, अरे मोहन क्या इन भोजनों में तुम्हें आनंद आया? और गाना क्या कह रहे, मजा आ गया, मजा आ गया, आ गया, लेकिन हिंदी है आनंद आ गया। अब मुझे मजा ही शब्द डालना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कि ना तेरे भोजनों मुझे जरा सा भी मजा नहीं आया। त्रेता में मैंने एक चीज ऐसी खाई थी कि उसे खाकर बड़ा मजा आया था, तेरे भोजनों में इतना मजा नहीं आया जितना उस चीज में आया था। किसमें? अरे मोपे सीता हरी, अरे मोपे विपता परी, मेरी सीता हरी, मोपे विपता परी, मेरी सीता हरी, उसकी कुटिया पे जाके मजा आ गया। इन भोजनों में इतना मजा नहीं आया। मोपे मोपे विपता परी, मेरी सीता हरी, मोपे विपता परी, मेरी सीता हरी, उसकी कुटिया पे जाके मजा आ गया। तेरे भोगों में मजा इतना आया नहीं। उम्मीद करूंगा कि एक भी आदमी ताली रोक नहीं पाएगा अपनी। देख, अरे तेरे भोगों में मजा, तेरे भोगों में मजा इतना आया नहीं, तेरे भोगों में मजा इतना आया नहीं, झूठे बेरों को खाके। क्या बात है बेटे, फैला दो भाई, थमके गाइए थोड़ा। तू कहां जा रही धंधो कर बे? तू कहां जा रही बजे नहीं पे? वो ओवर टाइम चल रहा है उसका, पान डाल के पीछे। ए नहीं जा, बड़ी बुरी आदत है। 2,500 मन से पहले ले भी पेट ना भरो तेरो, इतने और कमा लेगी पीछे जाके। देख, मोपे विपता परी मेरी सीता हरी, मोपे विपता परी मेरी सीता हरी, उसकी कुटिया पे जाके मजा आ गया। और आपकी आवाज आनी चाहिए, तेरे भोगों में मजा इतना आया नहीं, झूठे बेरों को खाके। तुम्हें मजा आ रहा है भैया? जनता बारे हाथ उठा के बताओ, मजा आ रहा है? धन्यवाद, मजा आना चाहिए। पूरे नंबर पे आता रहेगा, गीत भी ऐसे गाऊंगा जो धार्मिक हो और आपको आनंद भी पूरा आता रहे। मेरे अरे तेरे भोगों में मजा इतना आया नहीं, झूठे बेरों को खाके मजा आ गया। और रुक्मिणी बोली, केवल बेरों में मजा आया? और कुछ ऐसा खाया हो जिसे खा करके मजा आ गया हो? कन्हैया जी कहने लगे, हाँ मेरा मित्र था सुदामा वो आया द्वारका, मेरा मित्र था सुदामा जो आया द्वारका। एक तो पेड़ों को खा के मजा आ गया और दूसरी बात, अरे मेरा मित्र था सुदामा जो आया द्वारका, उसे गले से लगा के। मेरा मित्र था सुदामा जो आया द्वारका, उसे गले से लगा के मजा आ गया। ये जो पुरस्कार आ रहा है ये गाने बजाने पे आ रहा है, ये कमर हलाने पे नहीं आ रहा है। ये गाने बजाने पे आ रहा है, ये कमर हलाने पे नहीं आ रहा है। देख, उसे गले से लगा के मजा आ गया। तब भी मैंने ऐसा कुछ खाया था, बगल उसने धरे भाव भक्ति भरे, भाव भक्ति भरे बगल उसने धरे, चावल दो मुट्ठी खाके मजा आ गया। अरे बगल उसने धरे भाव भक्ति भरे, चावल दो मुट्ठी खाके चीज हो गई। हाथ उठाकर बताया, ऐसे ना मानेंगे। दो गई, यानी भोगों में मजा नहीं आया, टूटे चावलों में आ गया, झूठे बेरों में आ गया। अब तीसरी बात,
छप्पन प्रकार के भोग दुर्योधन घर बने, पर विदुर जी के यहां पे छिलका केला खाके, छिलका केला खाके मजा आ गया। नाव बन के गया था मैं नरसिंह के यहां पे, उसके यहां पर सब्जी रोटी कुछ नहीं था देने के लिए, उसने भी मुझे कुछ ऐसा खिलाया कि मजा आ गया। छिलका केला के खाके मजा आ गया, नरसी ने दिया खा मैंने लिया, नरसी ने दिया खा मैंने लिया, साग बथुआ का खाके मजा आ गया, नरसी ने दिया, नरसी ने दिया खा मैंने लिया, साग बथुआ का खाके ऐसा खाया है जिसे खा करके बड़ा मजा आया हो। कन्हैया कहने लगे एक चीज ऐसी है जिस चीज की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, बहुत थी, लेकिन फिर भी ज्यादा थोड़ी करी, ज्यादा थोड़ी करी मैंने चोरी करी, सबके घर घर में जाके, सबके घर घर में जाके मजा आ गया। मेरे घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी सबके घर घर में जाके मजा आ गया। मैंने चाखन लिया, मैंने चाखन लिया, हाथ माखन लिया, माखन चोरी का खाके, अरे मैंने चाखन लिया और माखन लिया, माखन चोरी का खाके, अब रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु कोई ऐसी चीज खाई हो जो खाने लायक ना हो लेकिन फिर भी आपने खाई हो और मजा आ गया हो, खाइए ऐसी वो चीज। कन्हैया कहने लगे हाँ खाइए, जो खाने लायक नहीं है लेकिन जब मैंने खाई तो बड़ा मजा आया। क्या? माँ को सहला दिया, माँ को सहला दिया, माँ को बहका दिया, दुनिया मुंह में दिखा के मजा आ गया, दुनिया मुंह में दिखा के मजा आ गया। मुझे उम्मीद है अगली पंक्ति पर आपकी तालियां नहीं रुकेंगी पीछे तक। अरे दुनिया मुंह में दिखा के मजा आ गया, राजी हैली वाले हो आपकी भी तालियां नहीं चाहिए। अरे दुनिया मुंह में दिखा के मजा आ गया, और एक चीज ऐसी है जो खाने लायक नहीं मैंने फिर भी खाई। अरे दुनिया मुंह में दिखा के मजा आ गया, सबने देखी है पर, सबने देखी है पर कोई खाता कहाँ, सबने देखी है पर कोई खाता कहाँ, ब्रज की माटी को खा के मजा आ गया, सबने देखी है पर कोई खाता कहाँ, ब्रज की माटी को खा के मजा आ गया। कटो कटायो ने के बचो जा कन्ना पे धर के ले जा, लदियो बा कटे कटे ले जाओ पे ले जाना, का बचो कटो कटा वाला हम धर के ले जा कन्ना पे लाओ, काए वो कटो कटा को आए, अरे दियो भाई दियो यार बागम हम भूल गए तो, अरे लाओ कटे कटा ही दियो तुम पहले, का वो कटो कटाओ, अरे जब तुम देना सके तो कैंचो रे कटे कटा ले जा।
बदतमीजी भूलोगे ना है। इतना शिकायत पढ़ा के लाएंगे सब बदतमीजी है प्रू कटो कटाए बच्चो ले जा। अरे छंद काट तेरी पहर लड़ाइयो अब जाने का आगे लिख के गयो जी। अब ताली देखो ऐसे कटो कटाए कटो कटाए अब जाए आगे लिख के गयो जी। और आगे जो छंद लड़ाई ना पाओ तो नाते भाग सिदो से आप लोगों के चरणों में। हाँ सर उदल कह रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने जब कहा तेरो मोह कर दिए कारो है, हालांकि पृथ्वीराज ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उसने ये कहा था कि तुम बच्चे हो उदल, अगर तुम्हारा भैया आला होता तो हम दो दो हाथ करते, मैं जानबूझ के तेरे लिए जगह छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन पहलाद भाई जब मछला ने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के डेरा को करवा दो यहां डेरा हमारा थनेगा, तो उदल ने मछला से इतना जरूर कहा था अरे गंगा जी की पार पे भावी हो सो डरवा के जिमाने अरे देखे गंगा जी की पार पे ठाड़ी और रासो डरवा के माने दी गंगा जी की पार पे ठाड़ी रासो डरवा के माने दी और भाभी आ गई अपनी पे सबरे नु मरवा के जोड़ के कह रहे भाभी भाभी मछला ओफो राटे काट रही है।